गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के अपने ऑनलाइन क्लास का ये 7th लेक्चर है और अपना चैप्टर वही है, चैप्टर 11 फोर्स एंड ए प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जो जब अप्लाई होते हैं या जिनके एप्लीकेशन के लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है, फिजिकल कॉन्टैक्ट की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होते हैं जिनको अप्लाई करने के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एक एग्जाम्पल हमने पढ़ भी लिया था, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। किन्हीं दो मैग्नेट के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, या किन्हीं किसी मैग्नेट के या टू सेपरेट मैग्नेट के टू पोल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बता दिया था, उसे एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। मैग्नेट के क्या होते हैं, अपने दो पोल होते हैं। मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है। नॉर्थ पोल कौन सा होता है, साउथ पोल कौन सा होता है, ये डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उस मैग्नेट को लेंगे, बार मैग्नेट को, परमानेंट मैग्नेट को, और फ्रीली क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के स्पॉन्टेनियसली अपने आप रुक जाएगी। तो जो एंड उस मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन में है, वो एंड या उस एंड पर उस मैग्नेट का कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। जो एंड साउथ डायरेक्शन की ओर है, वो एंड या उस एंड पर मैग्नेट का कौन सा पोल होगा, साउथ पोल, ठीक है। अब देखिए, तो मैग्नेट के बीच लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। आज हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ने वाले हैं, जो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज, ठीक है। तो किन्हीं दो चार्ज बॉडीज के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इलेक्ट्रिक फोर्स भी हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आपने देखा होगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई प्लास्टिक का पैन है, उस पेन को हम अपने ड्राई हेयर्स के अंदर क्या करते हैं, रब करते हैं, ठीक है ना। रब करने के बाद हम उस पेन को लेकर के जाते हैं इनके पास, डस्ट पार्टिकल्स के पास, या छोटे छोटे पेपर बिट्स के पास। तो पेन क्या करता है, बिना डस्ट पार्टिकल्स को या पेपर बिट्स को टच किए उनको अपनी ओर क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब वो क्या हो जाते हैं, इससे आकर के चिपक जाते हैं, ठीक है। तो वहां क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, उस प्लास्टिक पैन को अपने बालों के अंदर रब करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, उसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो किन्हीं दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, वो फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है नेचर में, और रिपल्सिव भी हो सकता है। जिस तरह की नेचर अपने मैग्नेटिक फोर्स की होती है, मैग्नेटिक फोर्स की नेचर जो होती है वो रिपल्सिव भी होती है और अट्रैक्टिव भी होती है, मतलब वो एक दूसरे को अपनी ओर भी खींचते हैं और एक दूसरे को अपने से दूर भी भगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखिए, द फोर्स
exerted by a charged body on another charged body is called electrostatic force. मतलब एक चार्ज बॉडी के ऊपर, एक चार्ज बॉडी के द्वारा दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर लगाया गया जो फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेचर में अट्रैक्टिव भी हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेचर में अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जो चार्ज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, आपको इतना ध्यान में रखना बस। जो चार्ज होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। एक कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करते हैं, प्लस सिंबल से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं। और नेगेटिव चार्ज को हम क्या करते हैं, माइनस के सिंबल से क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मान लीजिए दो बॉडीज हैं आपके पास, ठीक है, एक बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इन दोनों बॉडीज के बीच जो लगने वाला जो चार्ज होगा, जो लगने वाला फोर्स होगा, वो फोर्स ऐसा होगा नेचर में अट्रैक्टिव होगा, कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा नेचर में, ठीक है। और ये लगने वाले फोर्स को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसकी नेचर कैसी होगी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, ठीक है। तो अपोजिट फोर्सेस के, अपोजिट चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसकी नेचर कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है। और सेम चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स भी हम उसे बोल सकते हैं, उसकी नेचर कैसी होती है, रिपल्सिव होती है। सेम, मान लीजिए एक बॉडी प्लस की है, दूसरी बॉडी प्लस की है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, तो ये एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी नेचर कैसी होगी, रिपल्सिव होगी। मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों दूर भगाएंगे, मतलब ये इसको उधर धकेलेगा, पुश करेगा, और ये वाला इसको इधर पुश करेगा, ठीक है। और अपोजिट के केस में क्या रहेगा, ये वाला जो है इसको इधर खींचेगा और ये वाला इसको इधर खींचेगा, ठीक है। तो सेम चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव होता है। अपोजिट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो यहाँ मान लीजिए दूसरा केस ले लेते हैं, माइनस माइनस, सेम चार्जेस हैं, इनके बीच जो फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा, सेम चार्ज है दोनों, माइनस माइनस मतलब नेगेटिव नेगेटिव, तो वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस के बीच, प्लस प्लस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव होता है। और प्लस और माइनस मतलब अपोजिट चार्जेस के बीच कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा एक ऐसा नेचर होती है इसकी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की नेचर होती है, मतलब इनको बीच में कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होगी, पास लाते ही बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के एक दूसरे को क्या करने लगे रहेंगे, अट्रैक्ट या रिपेल करने लग जाएंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अपना नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का नेक्स्ट एग्जांपल, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा, फॉर एग्जांपल देखिए ये मार्कर है मेरे हाथ में, इस मार्कर को मैं छोड़ देता हूँ, तो आप देखिए मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स थोड़ी लगाया था, मैंने जस्ट इसको छोड़ा है, मतलब मैंने ना तो इसको पुश किया है ना ही इसको पुल किया है, ठीक है। उसके बावजूद भी ये क्या हो रहा है, रेस्ट पोजीशन के अंदर है ना ये, और जैसे छोड़ता हूं, मैं छोड़ देता हूं इसको, तो ये क्या कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है, मतलब इसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है उसके अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले तो ये रेस्ट की पोजीशन में था, छोड़ने के बाद ये क्या जाता है, मोशन में आ जाता है।
मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी स्टेट चेंज हो रही है। और स्टेट चेंज कब होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, ठीक है ना। विदाउट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है, ठीक है ना। आपने देखा कोई भी ऑब्जेक्ट हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो भी वो नीचे आता है, और ऊपर से छोड़ते हैं तो भी वो नीचे आता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अर्थ जो है, अर्थ जो है वो हर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना जो है, या जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रही है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटी, ठीक है ना, या फोर्स ऑफ ए ग्रेविटी। कौन सा नाम देते हैं, फोर्स ऑफ ए ग्रेविटी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अर्थ हर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है, ठीक है। तो अब हम देखें, ये जो केस है अपनी ओर खींचने का, ये केवल अर्थ के लिए ही नहीं है, हर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, ठीक है। लेकिन डेली लाइफ में हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, है ना। क्योंकि देखिए ये मार्कर है और ये दीवार है, मान लीजिए इस मार्कर के बीच में और दीवार के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये मार्कर इस दीवार को अपनी ओर खींच रहा है और ये दीवार इस मार्कर को अपनी ओर खींच रही है। लेकिन ये एक इनकी स्टेट के अंदर चेंज क्यों नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इन दोनों की दीवार और मार्कर के बीच लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसे अर्थ के केस में हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है ना, वो बॉल और मार्कर के बीच इतना नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड इतना नहीं है कि वो एक दूसरे को क्या कर सके, अपनी ओर खींच सके, ठीक है। तो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनका अपना मास है, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स की जो नेचर होती है, वो नेचर हमेशा कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है। आपने देखा था मैग्नेटिक फोर्स में, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में, तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर के होते हैं। लेकिन याद रखना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नेचर में हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये कोई छोटा स्टोन है और ये क्या अपनी अर्थ है, ठीक है। तो अगर दो बॉडीज जिनमें से एक अर्थ है, तो उस फोर्स का नाम दे देते हैं हम ग्रेविटी। लेकिन इन जनरल वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का क्या है, अपना एक मास है, मतलब दोनों कैसे ऑब्जेक्ट हैं, मैसिव ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर हमेशा क्या करते हैं, एक अट्रैक्टिव नेचर का, ठीक है, अट्रैक्टिव नेचर का क्या लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है। उस फोर्स को हम कौन सा नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और अर्थ के केस में उसे क्या कह देते हैं, ग्रेविटी कह देते हैं, ठीक है। तो अर्थ के केस में तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसलिए अर्थ क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना फोर्स लगा पाती है कि वो उसको अपनी ओर खींच ले। लेकिन डेली लाइफ में जितने हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, वो ऑब्जेक्ट या उन ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, वो इतना नहीं होता कि वो एक दूसरे के ऊपर इतना फोर्स लगा सकें कि वो उनको अपनी ओर खींच सकें, ठीक है। तो किन्हीं दो मैसिव ऑब्जेक्ट या मैसिव बॉडीज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, वो फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये है उसकी डेफिनेशन, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स,
या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाई ए मैसिव बॉडी ऑन एन अनदर मैसिव बॉडी, मतलब एक मास वाली बॉडी के द्वारा दूसरी किसी मास वाली बॉडी के ऊपर लगाया गया जो अट्रैक्टिव फोर्स है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको क्या करना है, ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी है ग्रेविटेशनल फोर्स की। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये तीनों जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं ये कैसे फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ए ग्रेविटेशनल फोर्स, तीनों कैसे हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, मतलब इनको एक दूसरे के ऊपर अप्लाई होने के लिए क्या किसकी जरूरत नहीं पड़ती, फिजिकल कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। थैंक यू।